दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम बेल दी है। इसकी वजह से दिल्ली शराब नीति से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के बावजूद वो 1 जून तक के लिए तिहाड़ से बाहर आ गए हैं और जनसभा और रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की अंतरिम बेल पर पहली बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रिएक्शन आया है। शाह ने अरविंद केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत को स्पेशल ट्रीटमेंट बताया है। न्यूज एजेंसी NI को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा, मेरा मानना है कि ये कोई रूटीन जजमेंट नहीं है। इंडिया अलायंस के पार्टनर्स बिहार में भी प्रचार करेंगे, यूपी में भी प्रचार करेंगे, तो मैं हिंदी बेल्ट पे आती हूँ। जो उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस में एक नई जान आ गई है जब से केजरीवाल आए हैं, उनका नैरेटिव थोड़ा अग्रेसिव हो गया, क्या ये आप मानते हैं? अभी तो वो कोई अलग इश्यू में ही फंसे हैं, थोड़ा इनको फ्री हो जाने दीजिए, बाद में देखो क्या होता है। पर वो जिस इशू में फंसे हैं वो राज्यसभा की मेंबर हैं स्वाति जी। मैं इस पर टिप्पणी करना नहीं चाहता। अगर कोई पुलिस को कंप्लेन करता है तो पुलिस उसका संज्ञान देगी, मगर मैं इतना ही कहता हूं कि अभी उनको बिचारे को जिस इश्यू में फंसे इससे निपटारा लाने दीजिए, काहे को ये सब में उलझाती है। पर वो है ना 20 दिन और बाहर है, उन्होंने कहा है कि अगर इश्यू अभी तो चल रहा है ना, देखिए कितना चलता है। वो कैंपेन में तो कह रहे हैं कि अगर झाड़ू पे वोट लगेगा तो उन्हें जेल जाने की जरूरत नहीं होगी। देखिए तो मैं तो मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट रूप से कंटेम्प्ट है। इनका कहने का मतलब है जो विजयी होता है सुप्रीम कोर्ट उनको दोषी होने के बावजूद भी जेल नहीं भेजती। अब जिन जज साहबों ने उनको जमानत दी है उनको ये सोचना है कि उनके जजमेंट का क्या उपयोग या दुरुपयोग हो रहा है। आप उस जजमेंट के बारे में क्या कहेंगे? देखिए सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है न्याय की व्याख्या करने का, पर पहली बार हो रहा है कि मगर मैं मानता हूं ये रूटीन और नॉर्मल प्रकार का जुडिशियल जजमेंट नहीं है। काफी लोग देश में मानते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि आप लोगों ने इतने कैमरा लगाए हुए थे, PMO तक में कैमरा का एक फीड जा रहा था, वो सब देख रहे थे कि ये केजरीवाल जी टूटते हैं कि नहीं, और वो कह रहे हैं कि मैं टूटा नहीं हूं और वो बीजेपी मेरे से इतना डर के कैमरा लगाए हैं। तिहार में तिहार उनके पास है, हमारे पास नहीं है। ये कंटिन्यूअसली झूठ बोलते हैं। जेल प्रशासन दिल्ली सरकार के हाथ में, केजरीवाल जी के हाथ में, गृह मंत्रालय के हाथ में नहीं है। पर वो मतलब दिन में कम से कम 3 बयान आते हैं केजरीवाल जी से, और उन्होंने इंडिया अलायंस का नैरेटिव कब्जा कर दिया, क्योंकि वो कहते हैं पहले कि प्रधानमंत्री फुल टर्म नहीं रहेंगे तो मोदी की गारंटी नहीं, वो अमित शाह जी की गारंटी बन जाएगी क्योंकि कमान आप संभालेंगे। चलिए आप इतने सीरियसली ले रहे हैं, वो सिर्फ 22 सीट लड़ रहे हैं देश में, इतना सीरियसली मत लीजिए, सिर्फ 22 सीट लड़ रहे हैं और वो गारंटी दे रहे हैं पूरे देश का मैं बिजली का बिल माफ कर दूंगा। अरे भैया तुम 22 ही सीट लड़ रहे, तेरी सरकार कहां से बनेगी? हम मोहल्ला क्लिनिक बना देंगे। और मैं कई बार स्पष्ट कर चुका हूं, फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं, 29 तक मोदी जी ही रहेंगे और केजरीवाल आपके लिए कोई अच्छा समाचार नहीं है। 29 के बाद भी मोदी जी ही हमारे चुनाव अभियानों का नेता है, उनके नेतृत्व में ही हम चुनाव। बता दें कि अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आकर लोकसभा चुनाव प्रचार में लगे दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को 2 जून तक जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर करना होगा। केजरीवाल जमानत दिशा निर्देशों के अनुसार दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकते हैं। केजरीवाल को अपने केस के बारे में बोलने से भी मना किया गया है। इसके अलावा वो किसी गवाह से भी बातचीत नहीं कर सकते हैं। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।